हमारा टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। हम हमारी डेली रूटीन में मुख्तलिफ चीजें हमारे इर्द गिर्द देखते हैं। कुछ चीजें एट रेस्ट होती हैं और कुछ चीजें एट मोशन। सबसे पहले हम देखते हैं एट रेस्ट का क्या मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे एक बॉल देख सकते हैं। ये बॉल मूव नहीं कर रही, अपनी जगह पर रुकी हुई है, तो इसे हम एट रेस्ट कहेंगे। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो रुका हुआ हो एक ही पोजिशन पर, तो उसे हम एट रेस्ट कहते हैं। So, a body is at rest if it does not change its position with respect to its surroundings. अब यही बॉल मूव कर रही है अपनी पोजिशन से, तो दैट मीन्स ये बॉल एट मोशन है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा होगा तो उसे हम कहेंगे ये एट मोशन है। तो a body is said to be in motion if it changes its position with respect to its surroundings. अब बुक में हमें एक और चीज बताई गई है कि द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी इज रिलेटिव। यानी फॉर एग्जाम्पल, आप एक कार देख सकते हैं, इसमें हिप्पो कार के लिहाज से एट रेस्ट है, अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर रहा कार के लिहाज से। लेकिन अगर कार के बाहर से कोई देखेगा तो उस लिहाज से वो एट मोशन होगा। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि एट रेस्ट क्या होता है और एट मोशन क्या होता है। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम। और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।